सुबह मैं उठी तो मेरा जो फ़ोन था वो चल नहीं रहा था. फ़ोन बंद हो जाए इज अ पैनिक फॉर मी बिकॉज आई एम लाइक शिट, आई डिडंट इवन सी द नोटिफिकेशन. अब हफीज सेंटर के अंदर ये सीन था कि दुकानें सारी बंद थी, मुझे जानने वाले मिल गए वहाँ पे एंड दे सेड कि मैम फायर है यहाँ पे, सुबह 5 बजे का लगा हुआ है, इस फ्लोर पे लगा है और काबू करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज उस टाइम ही ना पीक चल रही थी उस आग की और जो ओनर्स थे ना दुकानों के उनको जाने दे रहे थे. हर बंदा जिसकी दुकान थी वो गया था अंदर, ऊपर फ्लोर तक गया था जहाँ पे आग लगी हुई थी, अपना सामान लेके बाहर आए थे वो. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं थी. तो मैं घर गई, आई गॉट द कैमरा एंड आई केम बैक और फिर उसके बाद हर चीज़ जो मुझे नज़र आई मैंने उसको कवर किया. मैंने सारी पिक्चर्स ली, सब कुछ लिया. सम ऑफ द फायरमैन एंड द स्टाफ न्यू मी, दैट इज़ वाई मुझे परमिशन मिल गई थी अंदर जाने की और अंदर की सिचुएशन को सारे को कवर करने की. और बाहर जितने भी लोग थे, आई वॉज दी ओनली फीमेल फोटोग्राफर जो इधर उधर हर जगह जा रही थी. भाई बहुत तेज था फायर, वो टाइम था जब आग ने ना सेटलमेंट कर ली थी, पानी हर जगह था, लोग परेशान थे, कुछ समझ नहीं आई थी उनको. जिनकी दुकानें थी वो सामान ला रहे थे, जिनकी नहीं थी वो बस खड़े देख रहे थे. बिकॉज जो एफर्ट वहाँ पे था, वहाँ पे पहले 1122 वाले आए थे, सिर्फ वही काम कर रहे थे और वार्डन्स थे. थोड़ी देर बाद वहाँ पे आए स्काउटिंग वाले, उसके बाद वहाँ पे आए रेंजर्स, उसके बाद वहाँ पे आए PDM. द एफर्ट दोज मैन वर पुटिंग इन टू सेव द बिल्डिंग वॉज प्राइसलेस. एंड आई पोस्टेड सम स्टफ रिगार्डिंग यस्टरडेज फायर कि आई वॉज पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर बिल्डिंग एंड आई वॉज स्माइलिंग एज वेल. मैं मुझे भूख लग रही तो मैंने वो उसकी भी तस्वीर लगा दी थी जो कि एक्चुअली गलत थी बिकॉज वहाँ पर काफ़ी लोग जो थे उस वक्त परेशान थे और बहुत सेंसिटिव थे इस मामले में. और मैंने ये नहीं सोचा कि इट माइट जस्ट अफेंड देम एंड अफेंड मैनी ऑफ यू गाइज एज वेल. लेकिन मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी को इस तरह से ट्रिगर कर दूँ. मेरी खुशी थी कि जब बीच में से क्राउड में से लोग आके उनकी हेल्प कर रहे थे तो सिर्फ वो फैक्टर था जो मुझे एक्चुअली मुझे जिसने ना यू नो खुश किया था. एंड आई रियली वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर दैट बिकॉज आई डिड नॉट मीन इट इन एनी ऑफेंसिव वे. देन अगेन आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ देम जिनको मैंने ऑफेंड कर दिया और मेरी हरकत गलत थी, मैं मानती हूँ.